चले चलो रोलिंग वर्किंग एनवायरनमेंट है, कभी कभी लोड आ जाता है बट स्टिल टीम भी अच्छी है कि वो हैंडल कर लेते हैं हम लोग। आई एम वर्किंग विथ इंटेलिजेंट पीपल, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। हमारे बॉस के बीच में जो फ्रेंडली बिहेवियर है, डेस्क जॉब एज वेल एज फील्ड जॉब। एनजे में काफी कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, अलग अलग तरह के लोगों से, लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। द पीपल, द वर्क एनवायरनमेंट दैट वी गेट हियर। I have faced many issues, many problems, but I think that has been handled with lot of care. You can work here for a lifetime too. Environment बहुत अच्छा है, coding करना, working environment. The environment is so much friendly. You would like to work in NJ for long and long years. काम करना अच्छा लगता है। यहाँ का working environment. Asterisk space hyphen VVVVVCR. That means my work. I enjoy my work the most and everything around my work. कैसे टीम के अंदर वर्क होता है, एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, पूरा कॉलेज एनवायरनमेंट है। तौफिक सर आए और पहला क्वेश्चन मुझे यही पूछे कि कल हम लोग सब ट्रिप पे जा रहे हैं, आप आओगे क्या? वर्क एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ एनजे इज वेरी सपोर्टिव। सबके साथ हिल मिलके काम करना है, वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट, पिकनिक, ट्रिप। यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है सब बहुत फ्रेंडली है। इधर का वर्क एनवायरनमेंट सब हिल मिलके काम करते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं। एवरी डे आपको कुछ नया सीखने मिलता है। एनजे फैमिली, यहाँ के जो एनवायरनमेंट, एनजे की टीम है जो सबसे अच्छी है। The ease of work and the different roles that I get to play here in the एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फेसिंग न्यू चैलेंजेस एवरी डे, मीटिंग लॉट ऑफ न्यू पीपल एवरी डे, गेटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आई गेट टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई गेट टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल अक्रॉस द इंडस्ट्री। फ्लैट हायरार्की, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब टीम मेंबर्स बहुत फ्रेंडली है, अगर आपको कुछ नया सीखना हो तो वो लोग मोटिवेट करते हैं। एनजे का एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मुझे एनजे का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, हर एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना न्यू अपना इनोवेशन बताने का। तो जो यहाँ की टीम है पूरा यंग और डायनामिक है, सभी मेरे एज के लेवल की है, लंच पे भी एक साथ बैठते हैं। एक टीम के साथ काम करना और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फ्रीडम है और टीम वर्क। वैसे तो सब अच्छा लगता है एनजे में, क्योंकि बिल्कुल फ्री होके काम करते हैं। इधर का जो क्लाइमेट है वो सब, इधर काफी कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ पे काम करने का तरीका और फ्रीडम है, यहाँ पे टीम के साथ वर्क करना, वर्क एनवायरनमेंट। जो यहाँ का एक बिहेवियर है डाउन टू अर्थ वाला, तीनों सर, तौफिक सर या जो भी कोई है, कोई भी हो, सबके साथ सेम बिहेव करते हैं, कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिहेवियर एकदम डाउन टू अर्थ वाला है, वो बिहेवियर बहुत पसंद आता है। तो मैं लिमिट सर के साथ करूंगी, और सर की जो कस्टमर को कन्विंस करने की जो स्टाइल है, उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, जो कई बार मैंने भी यूज करे कस्टमर के सामने, जो सर के डायलॉग्स होते हैं उसकी काफी सारी इफेक्ट होती है उसके ऊपर। तौफिक पटेल सर, ही हैंडल्स अ लॉट ऑफ कस्टमर्स एंड हिज अप्रोच टुवर्ड्स ईच एंड एवरी कस्टमर इज डिफरेंट एंड यूनिक। लिमिट सर ऑफ कोर्स, बिकॉज़ ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू मीट टू पीपल। नहीं, मैं रोल एक्सचेंज नहीं करूंगा, मगर जिस तरह से सब लोग अपने अपने रोल निभाते हैं वो काफी अच्छा है एनजे में। तो गोविंदले में सर इन द मीटिंग दैट ही गोस, बिकॉज़ ही गेट्स टू मीट अ लॉट मोर ओवर पीपल देन आई डू। ऑब्वियसली मिस्टर लिमेश पारेख, ही इज डूइंग मल्टीपल थिंग्स, ही विल हैंडल मार्केटिंग, सेल्स एंड टेक्नोलॉजी आल्सो। आई डोंट थिंक आई शुड चेंज द रोल, ऑब्वियसली लिमेश सर, क्योंकि जो कम्युनिकेशन वे है लिमेश सर का इज ब्रिलियंट। नीरो भाई के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ईशानी मैम, क्योंकि किसी भी चीज में कहीं पे भी जरूरत पड़ता है ना, तो शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। कमल भाई, डेवलपिंग जो मेहुल करता है, जो सर्वर के रिलेटेड मेहुल को नॉलेज है। तौफिक सर, क्योंकि टिल नाउ आई हैव ऑब्जर्व हिम कि ही इज अ वेरी काम पर्सन। मिस्टर लिमेश पारेख, नीरव सर, बिकॉज ही इज मल्टी टैलेंटेड। विशाल दाके सर, मेहुल भाई, आई वुड एक्सचेंज माय रोल विद अ बेटर लिमेश पारेख, जो एटलीस्ट परफेक्ट। तौफिक सर के साथ करूंगा। किसी का भी नाम ले सकते हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली लिमेश सर, क्योंकि वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, वो जिस तरीके से बोलते हैं तो वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है। अब फर्स्ट राजन, मेहुल भाई, नीरव। चेतन सर के साथ करना चाहूँगा, वो जिस तरह से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, वो एकदम मस्त है, मतलब ईशानी लाड।
मतलब जो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हैंडल करती है, तो देवेश सर के साथ करना चाहूंगी। जैसे वो कस्टमर को हैंडल करते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मैं राजन भाई के साथ करना चाहूंगी, लिमिट सर के साथ एक्सचेंज करना चाहूंगा, क्योंकि वो जैसे अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कुछ भी, जैसे कोडिंग हो या कुछ भी समझाना हो, जो एग्जाम्पल्स वो यूज करते हैं वो काफी इंस्पायरिंग होता है। फॉर नाउ मेहुल भाई, क्योंकि मेहुल भाई जिस हिसाब से सब कुछ हैंडल करते हैं, और सब राजन भाई के साथ करना चाहूंगा क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है, तो मैं उसके जैसे कम्युनिकेशन। एक लिमिट सर और एक तौफिक सर। ईशानी लाड़ के साथ करना चाहूंगा, तो उनको CRM का सबसे ज्यादा नॉलेज भी है और उनका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है। रोल एक्सचेंज नहीं करना है और अभी सीखना है। तौफिक भाई के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि तौफिक भाई जो है वो कस्टमर के एंड सेल्स हो या सपोर्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत स्मूथली हैंडल कर देते हैं। लोकेश के साथ, चैतन्य परेख सर से साथ, सर जैसे मल्टीपल टास्क जैसे हैंडल करते हैं, जैसे डेवलपिंग हो, कोऑर्डिनेटर हो या फिर सपोर्ट हो। फॉर लमेश सर एंड सी व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स ही हैज टू गो थ्रू एंड व्हाट ऑल ही हैज टू हैंडल। मोहन सर के साथ, मोहन सर का काम करने का तरीका और सपोर्ट देने का। लमेश सर, हिज विजन, हिज पैशन टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, हिज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, हिज थॉट दैट व्हाटएवर वी आर डूइंग इज ग्रेट बट इट्स नॉट इनफ, वी हैव टू डू मोर। करमन भाई के साथ जो टीम लीडर है मिस्टर चैतन्य पारेख, तो मैं लिमेश सर के साथ करूंगा, एकदम ऑलवेज बैटरी चार्ज। मैं फिलहाल नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल मैं ही सीख रहा हूं। CRM टीम, पल मैं रोल एक्सचेंज नहीं करूंगा, तो रोल एक्सचेंज तो नहीं करूंगा, रोल एक्सचेंज नहीं करूंगा। मैं राजन सर से करना चाहता हूं। हमारे सर चेतन सर के साथ, क्योंकि वो जिस तरह से टास्क हैंडल करते हैं ना। नीरव भाई के साथ करना चाहूंगा, फर्स्ट लिमेश सर, सेकंड तौफिक सर एंड थर्ड राजन सर। Thinking out of the box, stay foolish and stay hungry. Take a decision, see it and believe it and take act it. How to handle customers? तो मेरा communication में बहुत फर्क आया है, बहुत कुछ सीखने मिला है अब तक. What you should speak and when you should speak. How to communicate within the team. How to pitch different customers. मैंने सब कुछ एनजे में ही सीखा है. यानी सीखना क्या होता है वो भी एनजे में ही सीखा है. लेकिन काफी सारी चीजें सीखी है. जैसे कि लिनक्स सीखा है और एक प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन कैसे बनता है वो सीखा है. कस्टमर सॉल्यूशन को किस तरह से देखते हैं और हम प्रोडक्ट को किस तरह से देखते हैं ये सब सीखा है. काफी सारी चीजें सीखी है. After joining NJ, I have learned Linux, came to touch in with Sugar CRM and मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा है. कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी का फर्स्ट इज बिहेवियर वाला, दूसरा टीम मैनेजमेंट वाला कि टीम में कैसे वर्क करते हैं. प्रोफेशनल बिहेवियर, हाउ टू डील विद इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस. इफेक्टिव कोडिंग, अभी सैटरडे को 40+ पीपल के सामने अपना मतलब प्रेजेंटेशन दिया था, वो पहले कभी नहीं. जो भी मैंने एक्चुअली लिंक्डइन पे लिखा है वो सारा मैंने एनजे में लर्न किया है. कस्टमर इंटरेक्शन, मैंने गूगल स्क्रिप्ट्स पे काम किया था. कस्टमर्स के साथ कैसे बात करना, कैसे हम लोगों को ट्रबल शूट करना है. अभी ऑल्टरनेट अकाउंट्स में हैंडल कर रही हूँ मैं. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कैसे करते वो सिखाए. कोडिंग सीखा है और बात करने का तरीका सीखा है. एक प्रोडक्ट मैंने सीखा सुगर CRM, जो मेरे को मतलब ए भी नहीं आता था उसका, और अभी आता है. एंजॉय में आके तो सबसे पहले तो मुझे नाश्ता करना बहुत अच्छी तरह से आ गया है. कोडिंग करना सीखा और एक जगह पे 8 घंटे बैठना सीखा. सब कुछ यहीं पे आके सीखा है. टीम के साथ कैसे वर्क करते हैं. एक्चुअली व्हाटएवर आई हैव लर्नड इज लर्नड थ्रू एंजॉय ओनली. एवरीथिंग वाज माय शॉर्टफॉल. I didn't like to speak in public. I didn't like to sell. I was very ashamed of asking for money. अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमारे एनजी में हर सैटरडे वीकली मीटिंग होती है, उसमें हर यूज़र अपना बेस्ट या वर्स्ट जो भी हो वो हमेशा बताते हैं. ये ऐसा कल्चर है एनजी का, तो वो एक नया सीखा है. फिर कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हैं, फिर कस्टमर के साथ कैसा इंटरेक्शन करना होता है. मेरा जो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा काफी बड़ा है. लिनक्स के बारे में बहुत सीखा है. एक तो ऐसे कस्टमर के साथ कैसे बात करने का है, तो 2-3 चीजें ने बहुत सारी चीजें सीखी. तो अभी तो बहुत कुछ इसमें लिनक्स में जान गया. अभी क्लाउड टैली टाइप इन कर रहे हैं. कस्टमर को कैसे बात करते हैं, कैसे सपोर्ट, हाउ टू टॉक टू कस्टमर व्हेन ही इज एंग्री, व्हाट डेटा एट व्हाट लेवल इज सपोज्ड टू बी शेयर्ड विद द कस्टमर, हाउ टू गेट कस्टमर टू थिंक हाउ आवर सॉफ्टवेयर विल बी बेस्ट फॉर देम, कन्विंस हिम दैट व्हाट वी आर सेइंग इज करेक्ट. क्रॉस प्लेटफॉर्म का नॉलेज सीखा. जो भी सिखाऊं मैं इधर आके ही सिखाऊं. टेकविन OS है, टोनाडो OS है, नई नई जो टेक्नोलॉजी है मैं यहाँ पे आके सीखा हूँ. सीनेस के बारे में सीखने को मिला, नास के बारे में सीखने. हाउ टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर. मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है
और टीम वर्क में कैसे काम करना चाहिए. Tons of technical things, not two, three things. Tons of technical things and many management things. That how to handle the worst situation. आफत में से अवसर कैसे निकाला जाए. ये शुक्रवार को नाश्ता आता है ना, तो अगर आप लेट हो जाओगे ना तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा. Offered best solution to the customer. मैंने CRM के बारे में सीखा है. How to handle work, communication skill. मजबूरी हर चीज सिखा देती है. दो चार लोग तो पहली बार जब एंजॉय में आया था तो फ्राइडे नाश्ता होता है तो उसमें 8 समोसे खा गया था एक साथ में. फनी मोमेंट तो डेली जैसे होते हैं. मैं एज अ बेसिकली जावा के लिए आई थी तो सर ने बोला था कि हमको ऑलराउंडर बनना चाहिए, ऐसा सर का पहला डायलॉग था. और जिस दिन मैं आई थी सुबह से लेके शाम तक जिस सीट पर मैं बैठी थी वहीं से मैं हिली भी नहीं थी. अरमन भाई ने बाटला छुटा मारा था. एक्चुअली ही कॉल्ड समवन, सो एक्चुअली हिज वर्ड्स वर मैं तुमने कॉल केम कर्यो छे, केम तुम मने केम कॉल कर्यो छे, शू काम छे तुम्हारो. Then he gave some pose and after that pose he told that oh sorry मैं तुमने कॉल कर रहा. कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है तो फनी मोमेंट्स हो ही जाते हैं और खास करके जब कस्टमर प्रॉब्लम हमसे कहते हैं और फिर सॉल्यूशन भी खुद ही बताते हैं तो दैट इज मोस्ट फनी. लिमिट सर लाइव लाफ्स हा 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 हा. कस्टमर्स को एक SMS भेजना था तो मैं SMS नहीं भेज पाया था. तो उस समय लिमेश भाई ने मेरे को बोला था कि एनजे में दो ही ग्रेट पीपल है, एक मैं और एक तू. नाश्ता करना सबसे लग जाएंगे ना तो रह जाएंगे. ये हमारे लंच टेबल पे रोज होते हैं. और लिखा था हैप्पी बर्थडे फ्रॉम लोकेश. एक्चुअली लोकेश का ही बर्थडे था. तो सैटरडे मीटिंग में भुवने सर के साथ तो रोज होता है क्योंकि तुषार इज सिटिंग बिसाइड मी. सो वैसे तो रोज ही होते रहते. मेरा जो सीटिंग अरेंजमेंट था ना तो वहाँ पे एक बार की बात है कि मेरे राइट साइड में एक छिपकली थी. फनी मोमेंट तो रिसेंटली हुआ. व्हाइल आई वाज कॉलिंग कस्टमर्स एंड दे डिड नो हिंदी और इंग्लिश. व्हेन कावे वाज ऑन द फोन एंड शी सेड हेलो सर आई एम टॉकिंग फ्रॉम एनजीआई टू सॉल्यूशन. आई मीन सो आवर अनेरी मैम इज आवर मॉनिटर. आई एम द साइलेंट किड हु जस्ट पासेस अप द कमेंट एंड दीस टू पीपल समय एंड दे आर द मोस्ट नोटोरियस स्टूडेंट इन द क्लास. एक बार मैं ओएस कस्टमाइज कर रहा था तो मेरे मशीन का SSL लेके दूसरे मशीन में काम कर रहा था तो वो मशीन फॉर्मेट करने की जगह मैंने खुद का ही मशीन फॉर्मेट कर दिया था तो अपग्रेड होने की जगह डाउनग्रेड हो गया था सब सर्वर में. तो मैंने रात को 9 बजे सब मशीन में मोबाइल से SSL लेके सब में वापस अपग्रेड किया था. लैटिट्यूड का गलत लिंक दे दिया एक्चुअली. और मैंने जैसे ही अपना नाम बताया क्लाइंट को तो वो भड़क गया एकदम से. स्टेशन पे दो लोग लड़ रहे थे, वहाँ पे दो तीन लड़कियाँ बैठी थी तो उन्होंने हमको बोला कि आप लड़कियों के उन लोग को रोकते क्यों नहीं हो. तो उस टाइम हेमंत भाई ने सुपरमैन का टी शर्ट पहना था तो हमने पूरा ब्लेम उन पर डाल दिया था कि आप सुपरमैन होके कुछ नहीं कर पा रहे. वो सपोर्ट के बारे में बोलते थे कि ये सर्वर ले ले, वो सर्वर को कनेक्ट कर दे तो मुझे लगा कि बाजू में कोई अपना रूम होगा वहाँ पे सर्वर होगा सारा. पर बाद में मालूम पड़ा वो बैंक था. हमने वो सिर्फ हाथ था ऐसे और दिखाने के लिए करते थे. तो कमल के साथ जब इंग्लिश में बात करते हैं तो बहुत सारे फनी मोमेंट्स हो जाते हैं. जैसे कभी कभी होता है कस्टमर भड़क रहा है तो बोला अपने सीनियर से बात करो तो हम लोग अपने से ही किसी को सीनियर बना के बात करा के वहीं के वहीं बात खत्म हो जाती. हम लोग क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स रहता है तो मींस के वो भी नहीं समझ पाते और मैं भी नहीं समझ पाता हूँ. अपने यहाँ कैसे शुरू में होता था, वी डिड नॉट यूज्ड टू हायर गर्ल्स. एक बार एक रिज्यूम आया था तेजल दवे का. तेजल नाम से नहीं पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है. तो फिर महेश आके मुझे बोलता है सर देयर इज अ गर्ल हु कॉल्ड हर. फिर पता चला कि अगर तेजल नाम है ना वो लड़की का है. दंगल में आता ना गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी. फनी मोमेंट तो ये कि अपने जैसे ऑफिस में एक बार जनरेटर स्टार्ट कर रहे थे, लोखन का खंबा जैसा था वो, मतलब सर पे लगा ना. एक कस्टमर है अपना, वो जब भी बात करेगा वो मेरे से भी शुद्ध हिंदी में बात करता है. वो जैसे प्रिंटर है 10-20 बोलेगा. मैं उनको हाँ हाँ कर रहा था. करती कभी कभी शाहरुख खान की एक्टिंग करता है. कस्टमर का केरला से फोन आया, मेरे को एक्चुअली मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बात कर रहा था. अजय भाई बोलते हिंदी में तो बहुत होता रहता है. अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी पर आपका क्या होगा, वो जनाब याली आपका क्या होगा.
ये मैंने म्यूजिक ऑन होल्ड में रख दिया था अपनी ऑफिस के लिए। कार्तिक है ना, मैं इसको पहली बार देखा था ना तो मेरे को लगा ये डेवलपर है, बहुत बड़ा। मेरी मतलब बहुत खराब आदत है, मैं एकदम सीरियस मोमेंट में भी है ना एकदम हंसता ही रहता हूँ अंदर से। तो राज ना हर बार ऐसे, तो जब हम उनको समझाते हैं और वो सोचते हैं ना ये तो सिंपल सी टेक्नोलॉजी, ये तो हमें भी आता है। तो RDP वर्कस्टेशन बेंगलोर के लिए, तो उन्होंने खुश होके मेरे को एक टैबलेट गिफ्ट दिया था बेस्ट सपोर्ट के लिए। जब भी कस्टमर अपने लिए प्रेज करते हैं तो एडवांस का जो रिव्यू आता है तो उसके अंदर 5 स्टार रहते हैं। आई कंप्लीटेड माय 3 to 4 months बट आफ्टर दैट आई वाज गिवन द चार्ज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अभी मैं यहां बैठा हूं और पीछे मेरे एनजे का लोगो है। तो एनजे के बिहाफ पे CIO का अवार्ड कलेक्ट करने गया था, तो लाइक एज ए सेलिब्रिटी जैसा मुझे फील हुआ था। सी कमिंग टू एनजे एवरी डे इज अ प्राउड मोमेंट, इससे ज्यादा तो कुछ और प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता है। बीइंग इन एनजे, कमिंग टू एनजे, या That is proud. Our hard work has proved us. 2009 में ज्वाइन हुआ था एनजे में। एनजे ने एक डिस्ट्रीब्यूटर मीट रखा था वापी में, वही मेरा प्राउड मोमेंट था। इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर आए थे, बड़े बड़े लोग। 175 सिस्टम कंप्लीट किया। परफॉर्मर ऑफ वीक में मैं विनर हुआ था। तो सेकेंड वीक था सैटरडे, परफॉर्मर ऑफ द वीक का जो मीटिंग होता है वो किस बारे में होता है, क्या होता है वो मुझे बोलना था। सबने क्लैपिंग की कि मुझे 2 awards भी मिले। Enjay. सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्ड्स मिले थे। एनजे में आया वही मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। तो वो कहते ओ वाओ दैट्स ग्रेट, दैट्स न्यू थिंग। कस्टमर के यहाँ पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देते हैं हम सॉल्यूशन। PDF एनिमल PDF के बारे में करना था तो वो मैंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया था। यस, मेनी टाइम्स कस्टमर टोल्ड मी दैट आर यू द ओनर ऑफ द कंपनी, दैट्स प्राउड मोमेंट। मैंने उनको कोटेशन का मॉडल का डेमो दिया था तो उन्होंने बोला सोचे नाश्ता करवाऊंगा मैं इसके लिए। अभी तक उसने मुझे अपने पूरे पेंटिंग्स का एक कलेक्शन मुझे PDF में दिया था। बीइंग अ पार्ट ऑफ एनजे एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ सच फैमिली, प्राउड मोमेंट ये है कि इधर मैं वर्क कर रहा हूँ तो एनजे के साथ काम करना और मेरा फेवरेट एनवायरनमेंट लिनक्स उस पे काम करना। जब यूजर्स अप्रिशिएट करते हैं हमारी ऐप यूज करके। सर नहीं थे तो इनवॉइस बनाना था एक USD पैसे। टू बी अ पार्ट ऑफ एनजे, जब मैंने एनजे ज्वाइन किया था विद इन 3 weeks तो मैं 3rd week में परफॉर्मर ऑफ द वीक बनी थी। पहले नहीं बात करता था, वो सभी के साथ बात कर सकता हूँ। यहाँ पे आके मैं बहुत कुछ सीखा। एनजे जब मैंने ज्वाइन किया उसके 1st week में मेरा क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन शुरू हो गया था। एक कस्टमर का पूरा CRM मैंने ही हैंडल किया है। मैंने खुद से ट्राई किया और वो एक्चुअली बिल्कुल सही था। एनजे के टीम के साथ काम कर रहा हूँ। लैटिट्यूड ऐप स्टैटिक से डायनेमिक ले जाने वाले थे तो मुझे खुद को पहले डाउट था, तो वो जब इम्प्लीमेंट हो गया तो वो काफी मुझे प्राउड लगा है। एक कंपनी है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, तो उन्होंने वो उसके लिए मुझे अप्रिशिएशन ईमेल दिया था कि आपने बहुत अच्छा काम। मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था ये IT के बारे में, कैसे क्या, ये कंप्यूटर कभी चलाया भी नहीं था, तो यहाँ पे आया धीरे धीरे देखा तो बहुत कुछ ये सीखने को मिला। और एक्चुअली द वेरी फर्स्ट मीटिंग आई हैड व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग एंड आई हैड टू एक्चुअली कन्विंस द पीपल दैट आई हैव अ सिंपलर सॉल्यूशन एंड फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट एंड फॉलो थ्रू। कस्टमर को सपोर्ट दिया है तो उन लोगों ने बहुत सारा थैंक्स करके मेल किए। फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म होते वीक लेना, मेरे कलीग लोग मेरी तारीफ कर देते अगर मेरे काम देखते तो। आई गेट टू वर्क विद लॉट ऑफ इनक्रेडिबल पीपल। They have stood by NJ in good, bad and ugly times. Proud moment एक है, मैं NJ नाम प्लस शो। पहले तो वर्क करके गया था वर्क में और उसके बाद अकाउंट में मिला। बंद कर। कट कट कट।